असंभव को संभव बनाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के नाम दर्ज हो गई 6 बहुत बड़ी उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसरो के वैज्ञानिक को लेकर। यहाँ पे इसरो के वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। अगर आपको भी इसरो पे गर्व है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 मून मिशन भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत कुछ सीखने वाला प्रयोग साबित हुआ। कई चीज़ें पहली बार हुई, कई टेक्नोलॉजी पहली बार विकसित की गई। जी हाँ दोस्तों, कई इसमें इसरो को वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें पहली बार हुई है और कई टेक्नोलॉजी पहली बार विकसित हुई है। कहते हैं कि विज्ञान में सफलता और असफलता नहीं होती, सिर्फ प्रयोग होता है, और हर प्रयोग से कुछ नया सीखने को मिलता है ताकि अगला प्रयोग और बेहतर हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, अब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 मून मिशन भी इसरो वैज्ञानिकों के लिए बहुत कुछ सीखने वाला प्रयोग साबित हुआ। दोस्तों मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी बताऊंगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी 6 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कई चीज़ें पहली बार हुई, कई टेक्नोलॉजी पहली बार विकसित की गई। अंतरिक्ष में कक्षा बदलने के दौरान तय गति और तय दूरी में ज़्यादा आगे बढ़े, यानी बेहतर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की गई। इससे चंद्रयान 2 के ईंधन को बचाने में मदद मिली। तो आइए जानते हैं दोस्तों 6 वो क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए, पहली उपलब्धि इसरो ने यह हासिल किया, इसरो ने पहली बार बनाया लैंडर और रोवर। जी हाँ, जो रूस ने पहले चंद्रयान 2 के लिए लैंडर देने की बात कही थी, लेकिन उसने कुछ समय बाद मना कर दिया था। इसके बाद इसरो वैज्ञानिक ने फैसला किया कि वो खुद अपना लैंडर बनाएंगे। इसे बनाने में करीब 11 साल लग गए। ये सभी स्वदेशी तकनीक से बनाए गए। रोवर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाकर 2015 में ही इसरो को सौंप दिया था। दूसरी बड़ी उपलब्धि, पहली बार किसी प्राकृतिक उपग्रह पर लैंडर रोवर भेजा गया। जी हाँ, जो इसरो ने चंद्रयान 2 से पहले अभी तक किसी उपग्रह पर लैंडर या रोवर नहीं भेजा था, यह पहली बार है कि इसरो के वैज्ञानिक ने किसी प्राकृतिक उपग्रह पर अपना लैंडर और रोवर भेजा। तीसरी बड़ी उपलब्धि, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भेजा मिशन। भारत दुनिया का पहला देश है और इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान पहुंचाया है। इससे पहले ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया। 4 बड़ी उपलब्धि हासिल यह कि पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड करने की तकनीक विकसित की। इसरो वैज्ञानिक ने पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी अंतरिक्ष वस्तु पर अपना यान लैंड कराने की तकनीक विकसित की, क्योंकि पृथ्वी को छोड़कर ज़्यादातर सेलेस्टियल बॉडी पर हवा, गुरुत्वाकर्षण या वातावरण नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में किसी अंतरिक्षित वस्तु पर अपना यान उतारने की तकनीक विकसित करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने यह काम बेहद सटीकता से किया। 5वीं बड़ी उपलब्धि यह हासिल की, पहली बार लैंडर रोवर ऑर्बिटर एक साथ लॉन्च किया। जी हाँ, तो इसरो वैज्ञानिक ने पहली बार इतने वजन का सैटेलाइट लॉन्च किया। आमतौर पर किसी सैटेलाइट में एक ही हिस्सा होता है, लेकिन चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तीनों एक साथ इस तरह से जोड़ना था कि चंद्रयान 2 कंपोजिट मॉड्यूल बनकर GSLV MK3 रॉकेट के पोलैंड फेयरिंग में आसानी से फिट हो जाए। 6वीं सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी, विशेष प्रकार के कैमरे और सेंसर बनाए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के लिए विशेष प्रकार के कैमरे और सेंसर बनाए। ये कैमरे चांद की सतह और अंतरिक्ष की तस्वीरें लेने में सक्षम है। साथ ही ऐसे सेंसर बनाए जो चांद की सतह, तापमान, वातावरण, रेडियोएक्टिविटी आदि की जांच कर सके। अगर दोस्तों आपको चंद्रयान 3 की सारी अपडेट चाहिए, सारी मिशन की पूरी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं चंद्रयान की पूरी टॉपिक आपको लेके आऊंगा दूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।